Welcome students, welcome to SSC Adda. SSC Adda में आप सभी का स्वागत है और आज हम बढ़ते हैं अपने रोज के कार्यक्रम बजे दोपहर में मैं रोज आपके लिए साइंस के कुछ पसंदीदा क्वेश्चंस लेके आता हूं जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और इसी बीच अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन और आपके अपनी

तो आने वाले एग्जामिनेशन में कौन कौन से सवाल रहेंगे कैसे रहेंगे अगर मैं कंसर्न स्पेसिफिक साइंस की बात करूं तो आइए जरा देखते हैं करके और बच्चों कूपन कोड का ध्यान रखना मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए ठीक है कौन कौन से बैचेस हैं क्या नहीं है सबके बारे में एकदम विस्तार से बताऊंगा एस एस कांस्टेबल की कंप्लीट प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है महापैक जरूर परचेज कर लें साथ ही साथ एसएससी जीडी एस्पिरेंट्स के लिए सारे रेलवे एस्पिरेंट्स और सारे एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए इस रविवार पच्चीस हजार से भी कुछ ज्यादा सरप्राइज गिफ्ट्स भी आप सभी को मिलने वाला है तो लॉग इन करना ना भूलिएगा एसएससी अड्डा पे पे पहला सवाल आ चुका है स्क्रीन बताइएगा विच ऑफ द फॉलोइंग फूड क्रॉप्स हैज द मैक्सिमम कंटेंट ऑफ प्रोटीन प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा इनमें से किसके पास है कसावा वीट सोयाबीन या मेज निम्नलिखित में से किस खाद्य क्रम में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा है और हेलो सपना कुतुन भट्ट सपना स्वागत है भाई सारे लोग एक बार जल्दी से, से सेशन को शेयर करेंगे और बताएंगे क्या होगा सही जवाब तो देखिए कसावा की बात करूं वीट की बात करूं सोयाबीन और मेज तो कसावा वीट और मेज ये हैं अनाज और इनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है इन तीनों में सोयाबीन जो है सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा होगी सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा अगला सवाल क्या कहता है अगला सवाल है कि वेयर डिड द न्यू फॉर्म ऑफ न्यूमोनिया है सिंड्रोम सिवियर अक्वायर्ड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ठीक है तो कह रहा है कि जो नए तरीके का न्यूमोनिया है सार्स वो कब से स्टार्ट हुआ और जिस

बताइएगा न्यू जो ये वायरस है सार्स सीवियर सिंड्रोम ये कहां से स्टार्ट हुआ अब भैया वायरस कह दोगे और फिर वो न्यूमोनिया भी कह दोगे तो बेटा टाइफाइड ट्यूबरकुलोसिस क्यूलॉसिस न्यूमोनिया ये सब बैक्टीरियल इंफेक्शन हैं सवाल ये पूछा है कि नया फॉर्म ऑफ न्यूमोनिया सार्स कहां से प्रारंभ हुआ कनाडा सिंगापुर चाइना या थाईलैंड आपको देश बताना है बताइए फास्ट मैक्सिमम लोगों ने चाइना जवाब दिया जस्ट बिकॉज चाइना आजकल बड़े न्यूज में बना हुआ था तो क्या आपको भी लगता है कि इसका जवाब चाइना ही होना चाहिए बिल्कुल सार्स का भी जो स्टार्ट हुआ था वो मिडिल ईस्ट से ही हुआ था बेटा इधर ये चाइना ही इसका सही जवाब है द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी स्किड की भी बात करूं सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम या फिर मैं सार्स की बात करूं सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम SARS का जो क्लोज रिलेटिव है आजकल जो चर्चे में है कोविड नाइनटीन भैया ये इससे डायरेक्टली रिलेटेड है एंड ये 2003 में 2003 में खोज ली गई थी 2003 में इसके बारे में पता कर ली गई थी खोज क्या ली गई थी पता कर ली गई थी अगला सवाल क्वेश्चन नंबर थ्री द टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा इन ह्यूमन बींग कहता है कि कशेरुकियों की संख्या कितनी होती है तो गर्दन ऐसा होता सीना ऐसा होता और कमर ऐसा होता तो गर्दन की हड्डियां कितनी होती है सात सी वन सी टू सी थ्री सी फोर सी फाइव सी सिक्स उसके बाद अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं, थोरासिक, की थोरासिक उसके बाद हो गया लंबर एल वन एल टू एल थ्री एल फोर एल फाइव कमर की हड्डियां उसके बाद एक होता है सेक्रल और सबसे नीचे वाली पूंछ की हड्डी जिसे हम क्या कहते हैं कॉसिक्स तो ये होती है सेक्रल ये होती है सेक्रल ये होती है कॉसिक्स ये होती है कॉसिक्स ये होती है लंबर ये होती है लंबर पेड़ वाले बच्चों को जी, जो वो तो अभी हाल फिलहाल ही बताया है उसके बाद ये है आपका थोरासिक ये है आपका थोरासिक और ये है आपका सर्वाइकल। तो फॉर्मूला क्या होता है सात बारह पांच एक एक सात बारह पांच एक एक अगर जोड़ दें तो सात बारह उन्नीस पांच चौबीस दो छब्बीस तो so, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए ही था कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया कितने लोगों ने सही जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर फोर ऑन द एवरेज व्हाट परसेंटेज ऑफ ह्यूमन बॉडी हैज द एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की प्रतिशतता मानव शरीर में कितना परसेंट है इज इट 65, 25, 5 या 10? जल्दी से फटाक से फटाक बताइए मैंने यह भी बताया था कि आप एक जीव हैं और जीवों के अंदर अगर अगर मैं मैं बात बात करूं करूं जीवों के अंदर अगर मैं बात करूं, तो मानव जो जीव है मानव जो जीव है उसका सेवनटी टू एसेंट तो वॉटर है वॉटर किससे बना होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की प्रतिशतता ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में क्या है ऑक्सीजन की ज्यादा है तो आपको क्या लगता है मानव शरीर में ऑक्सीजन की प्रतिशतता कितनी होगी फास्ट नरेश वर्षा जल्दी से एक बार सेशन को शेयर करो यार इतना धीरे धीरे जवाब भी दोगे बताओ क्या होगा सही जवाब ए, बी, सी या डी? बिल्कुल सही जवाब पैंसठ प्रतिशत पच्चीस पांच और दस ये तो बहुत कम है ना जबकि ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी ज्यादा होगी अगला सवाल बीसीजी वैक्सीनेशन इज टू बी गिवन टू अव बोर्न चाइल्ड बीसीजी का फॉर्मूला क्या फुल फॉर्म क्या होता है तो इसका होता है बैसिलस मेट एंड गुअरीन जी यू एन ठीक -E है ना तो ये तीन आ, लोग थे बैचल काम, कामेट एंड गोरिन इसके बेसिस पे बीसीजी इंजेक्शन बनी थी ठीक है ना तो कहता है बीसीजी जो टीका है वो एक नवजात शिशु को दिया जाता है इमीडिएटली आफ्टर बर्थ मतलब पैदा हुआ और बाहर आया उसको दे दिया गया या फिर विद इन फोर्टी एट आवर्स अड़तालीस घंटों के अंदर या फिर विदिन 7 7 दिनों के अंदर पैदा होने के बाद या फिर 6 महीनों के अंदर BCG, vaccination जो दी जवाब है ऑप्शन नंबर बी विद इन फोर्टी एट आवर्स बीसीजी की जो इंजेक्शन होती है immunity, ये हमारे शरीर के अलग अलग परतों में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके की शक्ति प्रदान करती हैं जिससे हमें आसपास के संक्रमण या फिर जो इनवाइटेड इंफेक्शन होती हैं जो हमारे के हमारे केयरलेसनेस के वजह से बॉडी में एंटर कर जाती है उनके लिए ये फिजियोलॉजिकल बैरियर साइटोकैनियन बैरियर सेल टू सेल बैरियर ये अलग अलग तरीके की दीवार बनाते हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर सिक्स द हाइब्रिड बिटवीन हॉर्स एंड डंकी इज अगर घोड़े और गधे के बीच अगर मैं इनका हाइब्रिड बताऊं इनका हाइब्रिड मतलब आप समझ रहे हो ना सिंथेटिक फॉर्म हाइब्रिड करके मतलब अगर मैं घोर्स और डंकी का एक सम्मेल इनके बीच में अगर संभोग करवाता हूं तो जो पैदा होने वाला बच्चा होगा होगा वो एक हाइब्रिड बीड क्योंकि इसमें गुड़ उसके भी होंगे और इसके भी होंगे तो पैदा होने वाला नया प्रजाति क्या है इट इज इज इट अ पोनी टट्टू है या फिर वो एक खच्चड़ है या फिर वो एक बछड़ा है या फिर वो एक जीब्रा है ए बी सी और डी बछड़ा मतलब समझ रहे हो ना गाय का बच्चा तो पोनी वो टट्टू बन जाएगा खच्चड़ बन जाएगा बछड़ा बन जाएगा या फिर क्या बन जाएगा अ हाइब्रिड बिटवीन हॉर्स एंड डंकी तो जवाब आ रहा है सर मूल बन जाएगा बन जाएगा क्या कितने लोगों को लगता है कि ये सही जवाब है तो भैया ये बिल्कुल सही जवाब है जब भी एक डोंकी के बीच एक मेल फीमेल डोंकी और मेल हॉर्स के बीच में अगर ऐसा किया जाए जब मेल हॉर्स हो यानी स्टैलियन कहते हैं उसे और फीमेल डंकी हो उनके बीच अगर हो तो पैदा होने वाला खच्चड़ पैदा होता है पैदा होने वाला क्या होता है खच्चड़ पैदा होता है सही जवाब ऑप्शन नंबर बी अच्छा नॉर्थ इंडिया में कई जगह ना शैतानी करने वाले लोगों के लिए भी एक टैगलाइन दिया जाता है कि खच्चड़ खच्चड़ गया तो दैट मीन की हाइब्रिड स्पीशीज हो दैट इज अ डिफरेंट एलोकेशन अगला सवाल ग्लाउकोमा इज अ डिजीज ग्लाउकोमा एक ऐसी बीमारी है जो किससे संबंधित है स्किन से लिवर से फेफड़ों से या आंखों से तो भाई ग्लाउकोमा कब होती है जब हमारे आंखों में जब हमारे आंखों की कंजंक्टाइवल रीजन मतलब ये जो व्हाइट वाला रीजन है ये जो सफेद वाला रीजन है यहाँ तो प्यूपिल हो गया और ये आइरिस हो गया ये तो प्यूपिल और आइरिस हो गया लेकिन इसके बगल में ये जो कंजंक्टाइवल रीजन है जिसमें आपने छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे ये भी देखें पतले पतले बहुत हल्के हल्के कैपिलरीज देखे हुए हैं यही सुबह अगर आप आंख मीस ये मीचते हुए उठ जाते हो तो ये पूरा रेड भी हो जाता होता क्या कि ग्लाउको ये कंजंक्टाइवा है ना कंजंक्टाइवा कंजंक कंजंकटाइवा कंजंक, कंजंक या फिर अगर मैं पूरा आईबॉल की बात करूं पूरे आईबॉल की बात करूं तो आईबॉल में क्या हो जाता है इंफेक्शन आईबॉल में क्या हो जाता है इंफेक्शन और आईबॉल में इंफेक्शन के होने की वजह से होता क्या अगर मैं आई को दूसरे तरीके से आपको बताऊं जस्ट थोड़ा सा देख लेना इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर मैं आंखों को आपको दूसरे तरीके से दिखाने की कोशिश करूं तो क्या जरूरी है जरा देखिएगा आंख जो है ना आई जो है वो ऐसी कुछ दिखती है आपकी ठीक है फोकस कीजिएगा थोड़ा सा आई जो है हमारी ये आई बॉल है अब आगे वाला जो ये हिस्सा है इसे तो हम प्यूपिल कह देंगे और ये प्यूपिल के इर्द गिर्द ये वाला जो हिस्सा हो जाएगा ये आयरिस हो जाएगा और आयरिस के अलावा जो व्हाइट वाला पोर्शन हमें और आगे दिखेगा ये क्या कहलाता है कंजंग कहलाता है इसी कंजंग में क्या हो जाए संक्रमण हो जाए तो कंजंगटी हो जाती है अच्छी बात है यहां पे होते हैं सिलियरी मसल्स यहां पे क्या होते हैं सिलियरी मसल्स होते हैं सिलियरी मसल्स ही क्या करते हैं लेंस को होल्ड करके रखते हैं अब यहां सामने ये जो पोर्शन है आइरिस आइरिस है जिस पे और पुतली है इसे हम क्या कहते हैं कॉर्निया कहते है। तो कॉर्निया और ये क्या है लेंस कॉर्निया और लेंस के बीच में जो जगह है उसे हम क्या कहेंगे कॉर्निया और लेंस के बीच में जो जगह होती है उसे हम कहते हैं एक्स ह्यूमर यानी जलीय द्रव्य ह्यूमर यानी जलीय द्रव्य और अगर मैं लेंस और पीछे वाले लेयर लेयर की की बात बात करूं करूं लेंस और पीछे पीछे वाले तो देखो बहुत सारे लेयर होते हैं स्क्लेरा होती है एक लेयर हो गई स्क्लेरा फिर एक लेयर होती है की एक लेयर होती है ऐसे कोरोइड की तो स्क्लेरा कोरोयड और उसके बाद एक लेयर होती है आपकी रेटिना की विच इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेसिच इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो ये रेटिना की रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और और इसी में मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि यही बीचों बीच आपकी ऑप्टिक नर्व भी काम कर रही होती है जो सीधे एक्टिविटीज आई का लेके सीधे बताती है सरिब्रम को इधर पाए जाने वाले जो द्रव्य है उसे हम कहते हैं काचाभ द्रव्य कांच की तरह दिखने वाला इसे हम कहते हैं विट्रियस ह्यूमर इसे क्या कहते हैं हम विट्रियस ह्यूमर कहते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड विट्रियस ह्यूमर द्रव्य कहते हैं का चाप द्रव्य कहते हैं अब ये जो सवाल है इस पे इसको बताते-बताते मैंने थोड़ी सी आपको आई के बारे में भी जानकारी दे दी है लेकिन अब ये जो सवाल है कि ग्लाउकोमा है क्या तो ये आंखों से संबंधित बीमारी है और ये जो एरिया है ना ये जो एरिया है इस एरिया के अंदर एक प्रेशर बनता है दैट प्रेशर इज कॉल्ड इंट्राओक्यूलर प्रेशर उसे हम कहते हैं इंट्राओक्यूलर प्रेशर तो ये इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है जिसके वजह से ऐसा लगता है कि आंखों में कोई चुभो रहा है इतनी भयानक दर्द होती है। आँखों में तो तो हल्का सा कंकड़ भी पड़ जाए तो हमें बर्दाश्त नहीं होता फिर कौन बर्दाश्त करे उस लेवल के दर्द को हम ग्लाकोमा कहते हैं ग्लाकोमा जैसी बीमारियों में मॉर्फिन तक का सहारा लेना पड़ता है जो कि एक न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग है जो कि हमारे ब्रेन की न्यूरल जो स्टिमुलेशन है न्यूरल कंडक्शन है या फिर हमारे हर्ट और बाकी इंपॉर्टेंट ऑर्गन का फंक्शनिंग है सबको हिंडर कर सकती है अगला सवाल क्वेश्चन नंबर एट द केमिकल यूज फॉर डिस्ट्रॉइंग इन वॉटर टैंक कहता है कि पानी पीने वाले टंकियों में कवकों को मार गिराने के लिए कौन से रसायन का इस्तेमाल किया जाता है कॉपर सल्फेट मैग्नेशियम सल्फेट जिंक सल्फेट या नाइट्रिक एसिड बताइए ए बी सी या डी बताओ ए बी सी या डी

कॉपर सल्फेट सी यू एसओ फोर सी यूएसओ फोर इन फाइव एच टू इसी को क्या कहा जाता है क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट को इसी को ब्लू विट्रियोल भी कहा जाता है इसी को ब्लू विट्रियोल भी कहा जाता है किसका इस्तेमाल किया जाएगा इस्तेमाल किया जाता है कॉपर सल्फेट का ताकि कवकों को पानी की टंकियों से साफ किया जा सके ह्यूमन किडनी डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय द पोल्यूशन ऑफ कैडमियम आयरन कोबाल्ट या कार्बन किस चीज का प्रदूषण हो जाए कि मानव वृक्ष में संक्रमण हो जाए ए बी सी और डी फास्ट किस चीज की पॉइजनिंग से वृकाघात हो सकता यूरेमिया हो सकता किडनी फेलियर हो सकता डायलिसिस के लिए जाना पड़ सकता आपके बॉडी में कीटोन यूरिया हो सकता एल्ब्यूमिन एल्ब्यू न्यूरिया हो सकता है पोली यूरिया हो सकता पाई यूरिया हो सकता है पोल्यूशन ऑफ ना कार्बन के ना कोबाल्ट के ना आयरन के क्योंकि ये याद रखिए तीनों ही हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं बट इन ट्रेस अमाउंट लेकिन वो चीज जो हमारे बॉडी में वृको को बर्बाद कर सकती है वो है

अरे मतलब पानी का निकलना तो विटामिन की कमी थोड़ी गलत जवाब होगा हार्मोन की कमी थोड़ी ये भी गलत जवाब है ना सॉल्ट की कमी ये भी गलत जवाब है सही जवाब इज ऑप्शन नंबर फोर इतना क्या सोच रहे हो जल की कमी इज डिहाइड्रेशन जल की आपूर्ति इज रिहाइड्रेशन अगला सवाल फॉलोइ एनालाइज डीएनए फॉर द फर्स्ट टाइम सबसे पहले डीएनए को किसने स्टडी किया सबसे पहले डीएनए को किसने स्टडी किया बताइए तो इसके ऊपर भैया डीएनए का मॉडल किसने दिया था आप ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हुए मॉडल फर्स्ट या हु गेव द डीएनए मॉडल फर्स्ट तो दो वैज्ञानिक थे और उनका नाम ना निरनबर्ग था ना हरगोविंद खुराना था ना ही कोरनबर्ग था इट वॉज इनका पूरा नाम था जेम्स वॉटसन ऐसे एंड फ्रांसिस क्रिक हा इनका था जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस एफ आर ए एन सी आई एस फ्रांसिस क्रिक सी आर आई सी के फ्रांसिस क्रिक ने सबसे पहले डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था जिनमें इन्होंने बताया था कि भैया ये एक दोहरी फसी क्या है एक ऐसी स्ट्रैंड है जिसमें नाभिकीय अम्ल अलग अलग हिस्सों में क्या हुए हैं जुड़े पड़े हैं जिसमें नाभिकीय अम्ल अलग अलग हिस्से पर क्या है जुड़े पड़े हैं ठीक है इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वैसे ही तीन अलग अलग मॉडल्स बताए जाते हैं सैंडविच मॉडल यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और फ्लूइड मोजाइक मॉडल अगला सवाल क्या है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विच अमॉन्ग द फॉलोइंग बियर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल इनमें से सबसे सबसे छोटा सेल किसके पास है मोलस्का के प्लाज्मा में तो मोलस्का तो एनिमल है मल्टी सेल्यूलर हो गया तो ऐसे ही गलत वायरस ईस्ट या बैक्टीरिया तो वायरस को भी अगर हम देख लें खमीर को भी देख लें और बैक्टीरिया को देख लें तो बैक्टीरिया आर प्रोकारिओट्स एक तो ये प्रोकारियोट्स हैं उसके बाद स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया के अंदर ही या फिर आप ये कह लो बैक्टीरिया के अंदर ही या फिर आप ये कह लो कि मोनेर के अंदर ही आता है एक जीव जिसे हम कहते हैं माइकोप्लाज्मा तो बैक्टीरिया की जो ये होती है ना बैक्टीरिया की जो अगर साइज में बात करूं तो ये थ्री टू फाइव माइक्रोमीटर के होते हैं मतलब तीन से पांच माइक्रोन के होते हैं लेकिन बैक्टीरिया में ही एक प्रजाति है माइकोप्लाज्मा वो सबसे छोटी कोशिकाएं होती हैं और वो है 0.3 टू 0.5 माइक्रोमीटर याद रखिएगा माइकोप्लाज्मा का कितना होता है 0.3 टू 0.5 अगला सवाल है है तो ये कब आती ड्यू टू एक्सेसिव ऑफ इन ब्लड हद से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण बढ़ जाए रुधिर में या हद से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़ों में सांद्रण बढ़ जाए या फिर हद से ज्यादा कंसेंट्रेशन ऑक्सीजन का फेफड़ों में बढ़ जाए या इनमें से कोई भी बयान सही नहीं है बताइए योनिंग कब और किस परिस्थिति में आती है फास्ट जवाब देते चलिए और सेशन को शेयर भी करते चलिए पचास सवाल है आज तो लेट भी हो गया लेकिन हमें सारी बातें डिस्कस करनी फास्ट। कब, कब 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 किस परिस्थिति में किस परिस्थिति में हमें उबासी आती है योनिंग मतलब उबासी कब बात है जमाई कब बात है भाई तो सीधी सी बात है कि अगर हम अपने दोनों फेफड़ों को देख लें दोनों अगर हम अपने फेफड़ों को भी देख लें तो इस फेफड़े में जो रेस्पिरेटरी जो पावर है वो कितने का है तो टाइडल वॉल्यूम टीवी होता है 500 सो एम मतलब 500 सौ हम ऑक्सीजन लेते और 150 सौ क्या करते अंदर छोड़ देते तो 150 एम क्या छोड़ देते सीओ टू छोड़ देते और साढ़े तीन ही निकाल पाते तो 350 फिफ्टी एम क्या होता है रिलीज कर दिया जाता है और 150 सौ एम एल रह जाता है अंदर रह जाता है तो अंदर जिस जगह पे रहता है उसे कहते हैं एनाटोमिकल डेड स्पेस एनाटॉमिकल डेड डेड स्पेस स्पेस तो में वो रहते हैं लेकिन ध्यान रखिए जितना वैसे ही जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर आगे बढ़ता है बॉडी में जिसे हम ऑक्सीमोग्लोबिन कहते हैं तो उनका सत्तानवे प्रतिशत नाइन सेवन परसेंट ऑटोमेटिकली पहले ब्लड लेता ले है तो याद रखिए जब भी सांद्रण बढ़ जाएगा किसका सांद्रण बढ़ जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किसमें ब्लड में, में. रुधिर में जब सांद्रण सीओ टू की बढ़ जाए तो सही जवाब उसका योनिंग का ये होगा जमाई का कारण वही बनता है अगला सवाल क्वेश्चन नंबर फोर्टीन विच अमोंग द फॉलोइंग लिविंग हैज रेस्पिरेटरी ऑर्गन बट डज नॉट हैव ब्रेन ऐसा कौन सा वह जीव है जिसके पास स्वशनांग तो है लेकिन मस्तिष्क नहीं है मस्तिष्क नहीं है मतलब कोई न्यूरल सिस्टम नहीं है न्यूरल सिस्टम नहीं है मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आखिर कौन कराता होगा बताइए क्या होगा जवाब ए बी सी और डी विच अमोंग द फॉलोइंग लिविंग बिंग हैज रेस्पिरेटरी ऑर्गन बट डज नॉट हैज ब्रेन इनमें से कौन सा वो जीव है जिसके पास स्वशनांग तो है लेकिन मस्तिष्क नहीं है ए बी सी और डी फास्ट आसिम रशिया वर्षा रोहिला आदित्य कुतुन भट्ट देवाशीष भाई एक बार शेयर करो सेशन को यार है ना आप लोग ही मोटिवेशन हो कि जहां घर से अब मैं स्टूडियो भी आ रहा हूं और मैं चाहता हूं कि रोजाना स्टूडियो आऊं और रोजाना आप सब की जो भी रिक्वायरमेंट है मैं पूरी करूं लेकिन आप लोग भी साथ दोगे तो मोटिवेशन खुद भी मिलता है ना क्योंकि आपकी नजरें जैसे मुझ पे है मेरी भी नजरें आप सब पे ही है है ना बताइएगा विच अमॉग द फॉलोइंग लिविंग बींग हैज रेस्पिरेटरी ऑर्गन बट नो ब्रेन ए बी सी और डी कोई कोई नहीं बता पाया कोई नहीं बता पाया सर सिल्वर फिश सिल्वर फिश सिल्वर फिश, सिल्वर फिश स्टार फिश मेगा तनवर बिल्कुल सही जवाब भैया स्टार फिश स्टार फिश अच्छा कितने लोग कह रहे हैं कि स्टार फिश इज अ फिश जितने लोग ये सोच रहे हैं ना कि स्टार फिश एक फिश है तो बेटा ये आप गलत सोच रहे हैं जितने लोग ये सोच रहे हैं कि सिल्वर फिश एक फिश है तो ये गलत सोच रहे हो स्टार फिश इज एन एकाइनोडर्माटा 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 एक ऐसी प्रजाति है जिसके अंदर पाए जाने वाले जितने भी जीव होते हैं उनकी कांटेदार त्वचा होती है स्पाइनी स्किन होती है तो एकाइनोडर्माटा मींस स्पाइनी स्किन एकाइनोडर्माटा मींस स्पाइनी स्किन स्पाइनी स्किन कांटेदार त्वचा अब देखो इनमें से रेस्पिरेटरी ऑर्गन इसके पास होती तो है और साथ ही साथ बहुत सारे रिसेप्टर्स भी होते हैं कई सारी ग्राहियां भी होती हैं प्रकाश ग्राही एसिडिटी और आयन आय का, का बदलता है तो उसके लिए भी ऑस्मोलर रिसेप्टर्स होते हैं उसके बाद स्टारफिश पे पेन रिसेप्टर्स हैं टेम्परेचर रिसेप्टर्स हैं ये सारी चीजें मौजूद हैं तो स्टार फिश हैज रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैज रेस्पिरेटरी ऑर्गन बट डू नॉट कंटेन ब्रेन डू नॉट कंटेन ब्रेन अब देखिए तो बहुत बहुत ना रख पाए तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है ऑप्शन नंबर बी ठीक है ना एस्टेरियास कहते भी हैं स्टारफिश को हम एस्टेरियास कहते भी हैं और एक बात ध्यान से देखिएगा कि ऐसे कौन कौन से वो मछली है जो नाम से मछली है लेकिन हकीकत में मछली नहीं है जैसे क्राई करते हुए मैं एक टोटका बता रहा हूं ध्यान रखिएगा क्राई करते हुए सिल्वर स्टार डेविल आई सिल्वर स्टार डेविल आई तो ये जितनी भी मछलियों के नाम लिख रहा हूं ना ये सब नाम से मछली है लेकिन मछली है नहीं तो कौन कौन लिखा आपने चार मछलियों के नाम क्राई फिश सिल्वर फिश सिल्वर फिश स्टार फिश डेविल फिश तो क्राई करते हुए सिल्वर स्टार डेविल आई सेपिया को पकड़ के सेपिया को पकड़ के हैग को बास्केट में रख के हैग को बास्केट में रख के क्या मैंने बताया क्राई करते हुए सिल्वर स्टार डेविल आया सेफिया को पकड़ के हैग को बास्केट में रख के क्या करा जेली खाते हुए चला गया बास्केट में रख के जेली खाते हुए चला गया तो इसमें आप जितने भी फॉल्स फिशेज को पहचानना चाहेंगे वो सभी को आप पहचान पाएंगे डेविल फिश इज नॉट अ फिश बास्केट फिश इज नॉट अ फिश जेली फिश इज नॉट अ फिश शेपिया इज नॉट अ फिश हैग इज नॉट अ फिश स्टार इज नॉट अ फिश सिल्वर इज नॉट अ फिश क्राई इज नॉट अ फिश तो ये जितनी भी मछलियों का नाम लिख रहा हूं नाम से मछली है लेकिन हकीकत तो में ये मछली नहीं है अगला सवाल चलिए अगला सवाल विच विटामिन बेटा आंख बंद करके फाइलोक्विनोन है ना फाइलोक्विनोन जो है ब्लड क्वागुलेशन के लिए मदद करती है और अगर विटामिन के यानी फाइलोक्विनोन की कमी होती है बॉडी में तो ऑब्वियस बात है कि यू विल हैव ब्लीडिंग डिजीज ब्लीडिंग डिजीज भी होने लगती है सही जवाब ऑप्शन नंबर सी था अगला सवाल ज इंट्रोड्यूस इन टू अग ऑर्गैनिज्म आज कल जितने लोग भी कोविशील्ड कोवैक्सिन स्पुतनिक ले रहे हैं तो लेने के बाद गुरु जी बहुत ज्यादा अजीब सा लग रहा है बुखार हो रहा है मेरे तो चेहरे सूझ गए मेरे तो ऐसे हाल हो गई है

और उसी उसी के बीच आपको अभी अनइजीनेस टायर्डनेस इंफ्लामेशन फीवर जैसी थोड़ी थोड़ी अब नॉर्मेलिटीज आती है लेकिन आपने देखा होगा कि अगर आप भोजन ले रहे हैं दवा ले ले रहे हैं पैरासेटा और समथिंग या वट एवर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले ले रहे हैं तो 24 से 36 घंटे के अंदर वापस से बॉडी नॉर्मल कंडीशन में आ जा रही है इसका मतलब क्या कि बॉडी ने अपने आप को एकोमोडेट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू द सिचुएशन इट हैड और धीरे धीरे उन एंटीबायोटिक्स के काम करने के प्रणाली को देख के अपनी वाली जो एंटीबॉडी थी ना सेल्फ एंटीबॉडी वो समझ गई कि अरे ये तो अपना है अरे ये तो अपना है चल इसे अपने ग्रुप में शामिल करते हैं तो वो जो इलेब्स टाइम है जो समय लगता है इसको आपस में फ्यूज होने में वही बस वो समय है जिसमें आपको ये देखने लगती है उसे क्या कहेंगे एंटीजन, एंड्रोजन एंट्रोजन कार्सिनोजन दैट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज के निर्माण के लिए एक जीवित जीव में कौन करता है तो फीमेल सेक्स हार्मोन एंड एंड्रोजन इज मेल सेक्स हार्मोन तो सही जवाब इज ऑप्शन नंबर सी अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 डार्विन फिंच रेफर्स टू अ बर्ड ग्रुप ऑफ डार्विन फिंच जो होते हैं वो किसकी प्रजाति हैं

तो डार्विन ने एक बार ऐसे ही एवोल्यूशन की खोज करते हुए और एवोल्यूशन के लिए डेटाज इकट्ठा करते करते वो एक बार अपनी अपने समय में अपने महारानी के कहने पर एक नाव लेके निकले थे एक्सपेडिशन पे और उस नाव का नाम था एच एम एस और पूछ भी देता है कभी कभी उस नाव का पूरा नाम क्या था तो उसका पूरा नाम था हर मैजेस्टी सर्विस बीएगल इत का पूरा नाम था एम एस बीएगल तो हर मैजेस्टी सर्विस बीएगल इसका पूरा नाम था और इसी नाव पे चढ़ के डार्विन जब पहुंचते हैं कौन से द्वीप पे तो वो पहुंचते हैं गैला पैगोज आइलैंड पे गैलापैगोज आइलैंड पे तो जब वो गैलापोज आइलैंड पे पहुंचते हैं तो उन्होंने ये देखा जैसे ही इनका नाव गैलापगोज आइलैंड पे पहुंचता है तो उन्होंने ये देखा कि उस तट पे उस द्वीप समूह में उस द्वीप समूह में ऐसे भी देखे गए उस द्वीप समूह में ऐसे भी देखे गए कि जो चिड़िया है उनका किसी किसी का तो चोच ऐसा है किसी किसी का चोच ऐसा है किसी किसी का चोच ऐसा है किसी किसी का चोच पूरा ही नोकीला है किसी किसी का चोच मतलब मॉडिफाइड है मतलब को, को, कोई अगर तटवर्ती कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए आ, अपने बीक्स को मैनिपुलेट कर रखा है तो वैसे उनका जो चेहरा है थोड़ा अलग दिख रहा है कोई अगर डालियों पे जाके क्रीमियों को खा रहा है और वो क्रीमी भक्षी है तो उसके चोच अलग है कोई अगर शाकाहारी है तो उसके चोच अलग है जबकि सारे ही बर्ड्स ही थे सारे बर्ड्स ही थे सारे फिंचेस ही थे

और जर्मिनल जो लेयर्स होती है बेटा मेसोडर्म और एंडोडर्म अगर यही नहीं बढ़ता तो हम इतने कैसे बढ़ते जो नहीं बढ़ता वो है नर्व्स न्यूरल टिश्यू जो है वो कभी भी डेवलप नहीं करती बॉडी में सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19। द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज इज अ सी हॉर्स बिल्कुल सोर्स ऑफ ऑक्सीजन जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोफिल मेसोफिल कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर बताइए क्या होगा सोर्स ऑफ ऑक्सीजन जनरेटेड ड्यूरिंग कहता है कि ऑक्सीजन का वह स्रोत क्या है प्रकाश संश्लेषण की प्रतिक्रिया के दौरान क्या वह मेसोफिल को शिकाए हैं क्लोरोफिल है कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर वॉटर है बताइए घटक क्या है जिससे हम प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया करवा पाते हैं शेयर द से एकदम पहले कम से कम आज 100 का तो आंकड़ा पहुंचना चाहिए ना हाँ क्लास में बताया है ना सर मैंने बिल्कुल तो वही मैं कह रहा हूं कि भाई अगर आप लोग को मेरे क्वेश्चंस लगते हैं कि हाँ सर जो करवा रहे हैं वो एकदम एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है और उससे रिलेटेड मैं भी देता रहता हूं तो आप लोग का ही टीचर हूं आप लोग के लिए ही हूं और आपसे ही मैं हूं मेरे से आप नहीं हूँ आपसे मैं हूं तो अगर सेशन पसंद आए कुछ चीजें आपको लगती है कि हाँ ये बंदा जब आता है तो कुछ बता के जाता है तो लाइक करिए अगर ये आंकड़े बढ़ते रहेंगे तो हमारे अंदर भी ये जोश है वो बढ़ती रहेगी सोर्स ऑफ ऑक्सीजन क्या है ए बी सी और डी फास्ट सर बीबीवी क्लोरोफिल कह रहे हैं मैक्सिमम लोग क्या आपको लगता है कि क्या क्लोरोफिल होना चाहिए क्या क्लोरोफिल होना चाहिए फास्ट बच्चों सोर्स ऑफ ऑक्सीजन जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बेटा पानी नहीं मिलता पानी नहीं मिलता जाइलम के थ्रू तो कैसे ऊपर प्रकाश संश्लेषण होता और कैसे पौधों को मिलता तो कहता है ऑक्सीजन का सोर्स क्या है पानी पानी जो वो लेता है ना पानी जो वो लेता है जमीन से ऑक्सीजन का सोर्स वो है वो आपका दिमाग कहां था आपका दिमाग तो लिप्त था इस प्रकाश संश्लेषण में कि यार प्रकाश संश्लेषण फोटो सिस्टम वन फोटो सिस्टम टू पी जो है 660 होती है पी जो है 710 होती है फोटो सिस्टम वन में पता नहीं क्या पढ़ा था यार वो कौन सा एंजाइम था इतना डेप्थ में नहीं जाना है कुछ कुछ बातें बड़ी सरल भी पूछी जाती हैं कि भैया ऑक्सीजन जो इस्तेमाल होगा या जो पैदा होगा प्रकाश संश्लेषण के दौरान उस ऑक्सीजन का स्रोत क्या है पानी है अगला सवाल ंग एलिमेंट इज एसोसिएटेड विथ टीथर इनमें से दांतों से संबंधित विकार कौन सा है इज इट क्लोरिन ब्रोमिन फ्लोरिन दांतों से संबंधित विकार किससे हो सकती है क्लोरिन किसकी कमी हो जाए तो दांतों से विकार बेटा फ्लोरिन की अगर कमी हो जाए ना तो दांत में कैविटीज पड़ सकती है केरिस पड़ सकती है दांत में धब्बे पड़ सकते हैं फ्लोरिन अगर की, फ्लोर, फ्लोराइड सोल्ट की अगर कमी हो जाए तो दांतों के लिए फ्लोराइड सोल्ट तो चाहिए ही चाहिए तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी पच्चीस सवाल करेंगे क्योंकि समय ज्यादा नहीं है हमारे हमारे पास अमारे पास मात्र तीन तीन मिनट और बच रहे हैं जबकि लाया था मैं आपके लिए पचास सवाल आज पर कोई नहीं अभी तो एनालिसिस चल रही है आजकल तो थोड़ी सी टाइमिंग्स में हाफ असर्ट वगैरह है बट हां कल से कोशिश ये करेंगे कि अगर मैं जुड़ता हूं तो आपको हर एक क्वेश्चन करा भी दू हिंदी पे ध्यान ही नहीं दिया इतना ही ओके okay. कोई नहीं कोई नहीं धीरे धीरे कर लेंगे अगला सवाल कहता है कि अगर मूत्र की संरचना की मैं बात करूं तो इनमें से अबनॉर्मल क्या है क्रिएटिनिन यूरिया यूरिक एसिड या कीटोन बॉडीज तो बेटा अगर कीटोन बॉडीज का प्रेजेंस आपके मूत्र में है तो उस बीमारी को हम कीटोन यूरिया कहते हैं और ये अच्छी बात नहीं है

है लेकिन कीटोन बॉडीज नहीं होती अगर होती है तो बीमारी है

चीजें हैं बच्चों तो तो सही जवाब इसमें इसमें क्या हो जाएगा option number four. D will be the right answer. अगला सवाल the vitamin which helps in clotting of blood. इसमें फिर से कुछ सोचने वाली बात है नहीं एकदम सही जवाब और इस ऑप्शन नंबर डी का केमिकल नेम एक बार लिख लेते हैं थोड़ी देर पहले मैंने एक बार डिस्कस भी करा था एनालिसिस के दौरान कि भैया विटामिन के का नाम है फाइलोक्विनोन फाइलोक्विनोन बेटा विटामिन मिनरल इन सब के काम नाम ये सब तो एकदम कंठस्थ होना चाहिए कि कैल्शियम का काम क्या है हमारे बॉडी में कॉपर का क्या काम क्या है बॉडी 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 में 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 मैंगनीज का 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 क्या का में, में, का क्या क्या काम 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 है 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 पोटेशियम सेलेनियम सल्फर का क्या काम है बॉडी में उसके बाद मैं अगर बात करूं तो आयरन का क्या काम है बॉडी में जिंक का क्या काम है बॉडी में मोलिपडेनम का क्या काम है बॉडी में कोबाल्ट का क्या काम है बॉडी में नाइट्रोजन का क्या काम है बॉडी में सोडियम का क्या काम है बॉडी में इन सारे इंपॉर्टेंट जो मेजर एलिमेंट्स है और मिनरल्स है उनके बारे में हम पढ़ेंगे में तो पढ़ेंगे यूट्यूब वाले में भी जानकारी लेंगे याद ये सारे सवाल ही आपके के होते हैं। विटामिन एच ले e, विटामिन 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 e, विटामिन किसे कहते हैं वो ध्यान रख लेना है सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं ये सब ध्यान रखना है उसके बाद विटामिन सी की सबसे ज्यादा मात्रा अगर सवाल ये होता कि विटामिन सी की मात्रा सबसे ज्यादा किसमें है और ऑप्शन है गोआवा पाइन ऑरेंज और टोमेटो तो बेटा टोमेटो कभी नहीं हो सकता क्योंकि टोमेटो में मात्र होती है तेरह दशमलव नौ मिलीग्राम और वहीं अगर मैं बात करूं गुआवा में एक तो सौ पच्चीस मिलीग्राम होती है तो सबसे ज्यादा विटामिन सी की मात्रा गुआवा में पाई जाती है लेमन और ऑरेंज में नहीं और टमाटर तो बिल्कुल नहीं बेटा टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाई जाती है जिससे लॉन्ड्री में ड्राई क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिससे जिद्दी दाग और धब्बे जो है वो छूट जाए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर एट वेरी हाई एल्टीट्यूड द रेड ब्लड कॉर्पसल्स इन द ह्यूमन बॉडी विल बहुत ऊंचाई पर जो लाल रक्त कणिकाएं हैं मानव शरीर के वो क्या हो जाएंगे? अपने 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 साइज़ साइज़ में 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 बढ़ बढ़ जाते अपने में जाते अपने तादात में जाते है, अपने तादात में जाते हैं 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 हैं। हैं घट घट या जितने पहाड़ी एक बार जल्दी से बता दो सर। का ट्रीटमेंट करते <laughs> बेटा ऐसा कोई बात नहीं है कि दो uh, कंडीशन जिसमें इंसान अपने शारीरिक बदलाव के वजह से जटिल से जटिल समस्याओं के ग्रिप में आ जाता है तो ऑन द बेसिस ऑफ द लेवल ऑफ एंजाइम सिक्रिएटेड ऑन द लेवल ऑफ हॉर्मोन सिक्रिएटेड टारगेट एक्शन सोर्स ऑफ सिक्रेशन इन सारी चीजों का जब पूरा आंकलन होता है तब जाके एक र्यूमाटोलॉजिस्ट जो है rheumatologist, rheumatologist मैं आपको क्लियर शब्दों में बता दूं तो वो आपके इम्यूनिटी यानी प्रतीक्षा प्र, प्रतिरक्षा प्रणाली के ऊपर ज्यादा फोकस करता है

जब भी आरबीसी अपने साइज में बढ़ जाए तो वो कब होता है जब विटामिन बी ट्वेल्व की डेफिशियंसी हो जाए क्योंकि उस समय आरबीसी इतना साइज में बढ़ चुका होता है कि जितनी आपूर्ति आप चाहिए विटामिन बी वो तो मिल ही रही है लेकिन आरबीसी इतना बढ़ रहा है कि उस हिसाब से विटामिन बी ट्वेल्व उतना नहीं मिल पा रहा है एंड इन दैट कंडीशन आरबीसी बिकम्स मोर एंड द चीक्स मसल्स मसलरा टर्न रेड सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाता है बेटा साइज प्रेशर की वजह से अगला सवाल टेस्ट ट्यूब बेबी मींस एक टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या होता है अब बेबी ग्रो इन अ टेस्ट ट्यूब के बीच में टेस्ट ट्यूब के अंदर एक बच्चे का पालन पोषण या उनको उसका ग्रोथ कराना वृद्धि कराना एम्ब्रायो फर्टिलाइज इन यूट्रस एंड डेवलप्ड इन टेस्ट ट्यूब कहता है कि एम्ब्रायो जो भ्रूण बना वो बना यूट्रस में लेकिन उसको डेवलप किया गया ट्यूब में And in uterus, ऐसा भ्रूण जो जिसकी जिसका निर्माण और उसका पालन पोषण गर्भाशय में हुआ या फिर फर्टिलाइजेशन इन विट्रो एंड देन ट्रांसप्लांटेशन इन द यूट्रस फर्टिलाइजेशन हमने में कराया और फिर transplant, transplant कर दिया सीधे कहा गर्भाषय में ट्यूब बेबी किसे कहते हैं ए बी सी और डी बिहारी एक पहचान सर मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया है बेटा रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज एन ऑटो इम्यून ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऑटो इम्यून डर का मतलब होता है जब हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली हमें अपने और अपने पराए के बीच में विभेद प्रस्तुत नहीं करने देती मतलब डिफरेंस वो नहीं समझने देती इन दैट कंडीशन जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं जितने भी हमारे फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट है ये भी फ्रीली मूवेबल जॉइंट है ये भी फ्रीली मूवेबल जॉइंट है ये भी फ्रीली मूवेबल जॉइंट है तो जितने भी फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं वहां साइनोवियल फ्लूइड होती है साइनोवियल फ्लूइड अगर है इसका मतलब इर्द गिर्द साइनोवियल का मेब्रेन है साइनोवियल का मेम्ब्रेन है तो धीरे धीरे होता, होता है वो सख्त होने लगता है हद से ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करती जाएगी और निरंतर ये काम होता रहेगा एक समय ऐसा आएगा की जोड़ सूज जाएंगी और जोड़ सूज जाने के बाद प्रेशर बढ़ने के बाद एक समय ऐसा आएगा प्रेशर बढ़ने के बाद एक समय ऐसा आएगा एक समय कैसा आएगा एक समय ऐसा आएगा कि उस जोड़ों के बीच कंकड़ जैसे पदार्थों का निर्माण हो रहा है और उन कंकड़ जैसे पदार्थों को ही हम पैनस कहते हैं हम क्या कहते हैं पैनस कहते हैं और यह होता है में इसका सही जवाब बेबी का क्या था मैक्सिमम लोगों का जवाब डी ही था और बिल्कुल सही जवाब टेस्ट्यूब बेबी का मतलब होता है जो कि ट्यूब में डेवलप फर्टिलाइज कराया जाए और यूट्रस में ट्रांसप्लांट करके फिर हम उसकी नॉर्मल ग्रोथ वहीं पे एट नाइन मंथ्स प्लस पैनस डेज की करा लेते हैं सो दिस वाज इंपॉर्टेंट फ्रॉम टुडे सीरीज और लाया तो मैं पचास था लेकिन अब समय की पाबंदी की वजह से बाकी के पच्चीस हम डिस्कस करेंगे कल अपने इसी टाइम so, uh, पे पे बजे बजे अड्डा रोजाना ये शो शो मेरी एक चल रही है अभी शाम की मैं नहीं ले रहा हूं तो रोजाना मेरी शो जो है एक बजे चल रही है सो so, टाइमिंग कंफर्म रखना वन ओ क्लॉक एवरी डे माई शो इज हैपनिंग ऑन एस एस अड्डा सो मुझे उम्मीद है आप लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे आगे भी एंड आई विल बी हेल्पिंग यू विद ऑल द नेसेसरी क्वेश्चन जस्ट थॉट बाई द एम्प्लॉयर और द एग्जामिनर की हाँ मुझे ये बच्चे से पूछना है वो सारे क्वेश्चन करा दूंगा ताकि आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो थोड़ी और भी ईजी और लिफरल बन जाए इसी के साथ मैं अमित सिंह फैकल्टी ऑफ साइंस से विदा लेना चाहूंगा आप अपनी तैयारी ना भूलें बेटा रेलवे की जो क्रैश कोर्स ग्रुप डी के लिए स्टार्ट होने वाली है इसमें कंप्लीट साइंस मैं देखने वाला हूं मैथ्स अक्षय सर देखने वाले हैं जितेंद्र सर जी देखने वाले हैं और आशुतोष सर और अतुल सर हमारे रीजन देखेंगे ठीक है तो चलिए फिर मुलाकात होती है कल आपसे जय हिंद जय भारत